ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एकमत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई। और वो मानव केंद्रित बात हो गई, उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी, यहां जो G20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी, इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई,